तैयारी हो गई है, बस पैकिंग करनी बची है अभी। ठीक है, ये सारे स्नैक्स ले लिए हमने, ये प्रोटीन शेक, ये लवी का सारा सामान सजने संवरने वाला, और बाकी हम लोगों के कपड़े। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेट हो गए हैं, फटाफट निकलते हैं हम पैक करके, पैकिंग कर लें। और याद करो, और कुछ शायद हो गया है सब। डन। तो हम लोग निकल गए हैं गाइस जयपुर की तरफ। छोटा सा एक ट्रिप प्लान किया। हुआ क्या यार, मेरा ना बीपी बड़ा ऊपर चल रहा है आजकल, 3-4 दिन से बीपी हाई आ रहा है, 140, 145, 150, और थोड़ा सा एंग्जाइटी जैसा भी फील हो रहा है रात को सोते टाइम। तो पता नहीं क्यों, शायद कोई स्ट्रेस है, कुछ दिमाग में टेंशन है क्या नहीं है पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसा फील हो रहा है। तो सोचा कि क्या करें, तो सोचा कि थोड़ा ट्रैवल कर लेते हैं, थोड़ा ट्रैवल करके थोड़ा टेंशन फ्री लगता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो हम लोग ने प्लान बनाया कि जयपुर चलते हैं। हम हमेशा जयपुर जयपुर करते रहते हैं, बर्थडे पे भी, एनिवर्सरी पे भी, न्यू ईयर पे भी, बट कभी पहुंच नहीं पाते। तो आज हमने सोचा चलो यार जयपुर ही चल लेते हैं, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो ये चिंता में मुझे ठीक करने के लिए जयपुर ले जा रही है, मुझे ठीक करने के लिए खुद घूमने जा रही है जयपुर। गाड़ी कब चलाएगी तू मुझे बता। लाओ अभी अभी तो अभी चलाती हूं। बस गाड़ी चलाने वाला इंसान गाड़ी की चाबी छीन के बोलता है कि मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी। तुम डरते हो मेरे साथ। मैं तो कोई नहीं डरता। तू चाबी लेके बैठ, चलो लाओ। गाड़ी चलानी आती है इसको गाइस, लेकिन ये ना गाड़ी, ये आलसी है। इसको गाड़ी चलानी मैंने जैसे जैसे सिखाई है ना, इसके पास अपनी गाड़ी है लेकिन ये आलसी है। अपना काम होगा तो चलिए गाड़ी लेके, लेकिन अगर मेरे साथ कहीं जा रही है तो मैं ही चलाऊंगा गाड़ी। अभी बनाएंगे 2-4 रील्स तो फिर चला लेगी, फिर काम हो जाएगा ना अपना, फिर चला लेगी, लेकिन अभी नहीं चलानी। वैसे ही मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं, जयपुर आ जाए तो उठा देना। अच्छा, पागल बैठे हम तो। कंडक्टर का काम होता है, लंबू लंबू का डायलॉग, कंडक्टर का काम होता है सतर्क रहना, ड्राइवर को नींद नहीं आनी चाहिए, दुर्घटना घटी। हाँ, ड्राइवर को नींद नहीं आनी चाहिए, कंडक्टर का काम होता है ना। लंबू लंबू मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है, मतलब कहानियां सुनाता रहता है, आपको नींद नहीं आ जाता। हम लोग बहुत लंबे लंबे सफर पे गए हैं ड्राइव करके। यार मैं भी अच्छा कंडक्टर हूँ तुम्हारा। तो बिल्कुल अच्छा कंडक्टर नहीं है तू, तो सो जाती है, पाँव पिसारेंगे पीछे, चाय पकौड़े शकोड़े खिलाओ तो सोच सकते हैं जगने का। चाय पकौड़े भी खिलाएंगे खिलाएंगे, थोड़ा सा चल तो ले, अभी तो थोड़ा सा 225 किलोमीटर है। अभी हम गुड़गांव से बाहर भी नहीं निकले। गुड़गांव से तो बाहर हमारे सर आ गए। होटल में रेस्ट करेंगे, कल हम लोग जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। तो आज क्या क्या खाएंगे, क्या क्या खाएंगे देखो यार, मैं ना खाने के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। तभी तो मोटी होती जा रही है। नहीं यार, नहीं, मैं जयपुर से आके जिम अच्छे से करूँ, जयपुर से आके, घर से आके, दिवाली के बाद, होली के बाद, अगले साल न्यू ईयर के बाद, ऐसे पता है कितने साल निकाल दिए। मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ। हाँ, इतनी मोटी नहीं है लेकिन मोटी तो है। ठीक है, थोड़ा बहुत हूँ, हो जाएगा ठीक। थोड़ा बहुत ही तो घटाने में इतनी मेहनत लगती है, 6 हफ्ते से सलाद खा खा के मर गया। लेकिन उसके बाद भी गाइस क्या मिला, स्ट्रेस, बीपी, हाई बीपी। देखो गाइस, डाइट इन्होंने की थी, वेट मेरा रिड्यूस हुआ, कितनी अच्छी बात है। नहीं, वेट तो मेरा भी कम हुआ, नहीं पर मेरा फैट भी कम हुआ। मैं नॉर्मल चल रही थी मेरी लाइफ, मैं खा भी रही थी सब कुछ, बस थोड़ा बहुत मैं जिम कर रही थी, थोड़ा शुगर छोड़ा हुआ था, चल रहा था। लेकिन ऐसे चलेगा नहीं, ज्यादा दौड़ाना है, बोलने बोलने की है बस, ये दौड़ाना है और बस बोलने बोलने की है।
वैसे एक बात तो है गाइस, ये व्लॉगिंग के चक्कर में जो हम बातें कर रहे हैं तो मजे ले रहे हैं, ये तो हम लेते नहीं है इतने। अब मेरे तो स्ट्रेस अभी से कब होने लग गया यार। दिवाली वाला व्लॉग लाइव हो गया होगा। हाँ दिवाली वाला व्लॉग लाइव हो गया गाइस, शेड्यूल किया था हमने, बड़े लेट हो गए। मतलब दिवाली कितने दिन हो गए दिवाली को, तो मेरे ख्याल से फोर्थ की थी ज्यादा दिन नहीं हुए, 10-15 दिन लेट हो गए, पूरा 15 दिन। थोड़ा यार अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना फटाफट व्लॉग एडिट करने का, थोड़ा टाइम लग गया उसमें, अभी थोड़े नए हैं ना। पर दिवाली का व्लॉग बनाया था हमने, कार की पहली राइड है उसमें। हाँ भाई कितने दिन बाद मिल रहे हैं गोलगप्पे? एक महीने बाद yes. इतने दिन के बाद क्यों खाए गोलगप्पे तूने? काफी यार कुछ ना? काफी कुछ अलग सा लग रहा है, 3-4 अलग अलग पानी, एक मेरे को भी खिला देना यार। अभी डिस्टर्ब मत करो गोलगप्पे के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज। चलो भाई हमें तो गोलगप्पे मिलेंगे नहीं, फिर चाय से काम चलाएंगे। ठंड हो रही है यार, और पकोड़े जबरदस्त पकोड़े लग रहे हैं ये इसके यार। चाय पकोड़ा ये कुछ दिखेगा, पालक वाला तो नहीं खा। चाय भी टेस्टी है, चाय भी टेस्टी यार। रख ले इसको नीचे, एयर फ्रायर लग रहा है ये। हाँ गोभी पकौड़े में तेल तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं ना मुझे लग रहा साइड ही चलता है। अच्छे पकौड़े मिल गए वो भी सर्दी में। देखो गाइस मैं अब ट्रिप पे हूँ, ट्रिप पे कोई डाइट नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और वैसे भी थोड़ा डाइट डाइट ज्यादा हो गया तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बंद बंद सा फील हो रहा था ना, शायद तो वो 2-3 दिन दबा के खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, उसके बाद वापस जिम करेंगे, अपना जो खाया वो बचा लेंगे। 2-3 दिन हम चीट कर सकते हैं क्योंकि हम बाहर हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं, ज्यादा चीटिंग भी नहीं करूंगा। खाओ बट थोड़ा लिमिट में खाओ। करेक्ट। तूने गोलगप्पे खाए, पकौड़े खाए और कुछ खाएगी कि अब चले? चलो आगे चलो। लेकिन देख ना तो तू इनो लेके आई है ना, ना तो तू पेट के दर्द की दवाई लेके आई है, जिनको पता है कि अपन कुछ खाते हैं बाहर का। हमने अच्छी जगह खाया है, अच्छी जगह खाए हैं, बुरी जगह जैसे बाहर का कुछ खाते हैं होती गड़बड़। हाँ, पेट का दर्द की दवाई कौन सी लाई है? शायद मैं कहीं बाहर गई हूँ, जैसे पकौड़े मैंने खाए हैं काफी जगह, इतने टेस्टी नहीं था, अलग ही टेस्ट। चाय भी बढ़िया। अब चाय तो मुझे बाहर की बहुत कम पसंद है, पर इसकी अच्छी है।
उजवाड़ा सा फील आ रहा है रात में। बाजार भी मतलब राजा के बता रहे हैं। मैं तो थोड़ा सोच रहा था कि जयपुर भी वैसी हो जैसे दिल्ली है, लेकिन आते ही पहली नजर में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं काफी फर्क है। आप ये देखना मार्केट ऐसे लग रहा है जैसे राजाओं का मार्केट, वो बिल्डिंग पूरी ओल्ड स्टाइल मार्केट बिल्डिंग है, सारी मार्केट है आपके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सामने फ्रंट में मंदिर नहीं है, मंदिर भी है साथ में मार्केट भी है। अच्छा फील आ रहा है जयपुर में आते। फोर्टी फाइव मिनट्स में पूरा राउंड रोटेट हो जाएगा ये जी। वीडियो में तो नहीं दिख रहा मेरे को, दिख रहा है बहुत स्लोली स्लोली चल रहा है, देखो ना सर। अगर थोड़ा फास्ट चलेंगे तो चिल्ड्रन आते हैं, हम सर्व करते हैं तो खाना भी गिर सकता है, बैठ के सर्व खाते भी है तो प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए इसकी बहुत कम है। जब तक वो डिनर कंप्लीट करेंगे हाँ तो मैक्सिमम 45 मिनट्स 50 मिनट्स में डिनर आराम से हो जाता है, और इतने में ही करेंगे। तो गाइस ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, ये धीरे धीरे घूमता रहता है जैसे भैया हमें बता रहे थे। 45 मिनट्स में ये पूरा रोटेट हो जाता है, और अभी शायद आप वीडियो में नहीं देख पा रहे पर ये बहुत धीरे धीरे स्लोली रोटेट हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने मेरे को रेकमेंड किया था, तो हम लोग यहाँ पे डिनर करने आए हैं, अभी पहुँचे हैं, तो होटल जाने से पहले हम डायरेक्ट यहीं आ गए कि डिनर करके चलते हैं। और ये जयपुर का 360 डिग्री व्यू देता है, बफे सिस्टम है यहाँ पे, और क्या क्या है भैया आज मेन्यू में? मेन्यू सर एक पनीर है, दो मिल्क वाला दाल है, राइस है, पास्ता है, नूडल्स है, दो डेजर्ट है, एक सूप है। तो डेजर्ट में गुलाब जामुन है और मूंग दाल हलवा, ठीक है। पेमेंट खाने के बाद करनी पहले? तो बस थाली लें और शुरू हो जाएं। ये ठीक है, देखो गाइस अब फील होगा आपको कि मूव हो रहा है, अब आपको फील होगा मूव हो रहा है। देखो अब थोड़ा सा इन्होंने तेज किया, थोड़ा फास्ट जा रहा है, थोड़ा सा तेज जा रहा है, यहाँ पे अब फील हो रहा है कि मूव हो रहा है। मुझे तो वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा था। देखो वो धीरे धीरे विंडो बैक के और पास आती जा रही है। देखो ये कैलरी कैलरी करते हैं, और गुलाब जामुन हलवा सब चल रहा है आज, ये सब तेरा है। मैं बस एक बाइट ट्राई करनी है, सब तेरा है, ये सफेद झूठ है गाइस, ये सफेद झूठ है। तो स्टैचू ऑफ सर्कल पे है अपन जयपुर, हम यहाँ पे कॉफी पीने आए हैं। हमारे एक दोस्त है जो जयपुर को बहुत अच्छे से जानती है, अनुज्ञा, उसने पहले हमें डिनर करने भेजा, अब वो हमें कॉफी पीने भेजी है। मैं तो पीऊंगा नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, फिर मैं पीऊंगी, लवी पिएगी, देखते हैं कॉफी कितनी स्वाद लगती है। एक कॉफी गर्म है कि ठंडी है? गर्म ठंडी दोनों ही है। कौन सी पी रही है? स्पेशल कौन सी आ ली आपकी? दोनों ही स्पेशल होती है, वैसे बात पसंद नहीं आता तो बताओ 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 हॉट दे दीजिए, एक एक देना। तो गाइस ये हमारा रूम है,
बहुत ही ब्यूटीफुल सा है।